हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स एज वेल एज जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, किस चीज की? रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है। और ये वीडियो किन किन के लिए रेलिवेंट है, जो SBI PO के लिए तैयारी कर रहे हैं, IBPS PO के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर LIC या सिमिलर पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में डिस्कस क्या क्या करेंगे, सोर्सेज, बुक्स, हाउ टू प्रिपेयर, कौन से सेक्शन पे फोकस करना है और कैसे आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, ये मेरी इंट्रोडक्शन है। जिसको देखनी है देख सकते हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग के साथ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है आफ्टर जीके। जीके में मैं सबसे ज्यादा स्कोर किया करता था, उसके बाद मैं ज्यादा स्कोर किया करता था हमेशा रीजनिंग में। सबसे पहले अच्छी बात पता है क्या है, ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, औरों की तरह मगिंग नहीं करनी है इसमें। जैसे मैथ्स में कुछ फॉर्मूला मग करने पड़ेंगे, इंग्लिश में कुछ रूल्स मगिंग अप करने पड़ेंगे, या फिर कुछ वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जीके में तो बहुत सारा कॉन्टेंट मगअप करने का ही होता है, इसमें कुछ भी मगअप नहीं करना है आपको। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गई ना, यू आर डन विद द सब्जेक्ट। बार बार कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है, पेपर आने से 10 दिन पहले कोई सिलेबस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। एक बार कंसेप्ट क्लियर तो आप इसमें हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, अगर ये आपका वीक सब्जेक्ट है ना, अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बनने वाला है ये। इसकी ना एक बंडल एडवांटेज है, इन तीनों के अंदर ही एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। यहाँ पे बंडल में क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एक पजल अगर आपकी सोल्व हुई, 4 से 5 क्वेश्चन निकाल दिया आपने, मतलब मेहनत एक पे हुई, 5 क्वेश्चन मिल गए। हालांकि टाइम भी उतना ही ले लेती है, बट एश्योरिटी आ जाती है कि अगर पजल आपने सोल्व कर दी तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पक्का सही जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट ये सेम इसी टाइप का है, मशीन इनपुट हो गया। जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनमें बंडल एडवांटेज मिलती है, एक क्वेश्चन सोल्व, मल्टीपल आंसर यू गॉट, ये बताई चुका हूँ। अब इसमें सबसे पहले जो सिंगल टिप अगर मेरे से पूछोगे रीजनिंग की, एक टिप, तो भैया इट इज प्रैक्टिस। इट इज नथिंग लाइक कि नया रूल पता चल गया, नई ट्रिक पता चल गई तो आपको निकाल लोगे, क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है ना दोस्त। अब की बार पजल मान लो पी फॉर्मेट पे आ रही है, अगली बार क्यू फॉर्मेट पे आ जाएगी, अगली बार वाई पे आ जाएगी। तो मतलब आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गई तो क्या फर्क पड़ रहा है कि किस फॉर्मेट पे पूछी जा रही है। बट कंसेप्ट नहीं समझ में आई तो यहाँ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट जो बता देते हैं कई सो कॉल्ड मेंटर्स कि भैया ये शॉर्टकट लगा देना, कोई शॉर्टकट नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ, सारे शॉर्टकट फेल हो जाते हैं। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, दो चीजें पक्का इंप्रूव होंगी। एक तो टाइम कम हो जाएगा सेम क्वेश्चन को करने का, और दूसरा एक्यूरेसी आपको आपकी स्पाइक कर जाएगी। कि मान लो 10 पजल सोल्व करते हो, अगर आप लास्ट में एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि जी ये मैंने बना दिए पजल, ये 3 वेरिएबल का सेट है, एक बार अगर ये मैंने बना दी तो ये पक्का सही है, इसके बेस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आपका ओवर द टाइम आएगा। तो चलिए सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं। 2 सेक्शन होते हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग से ही मेजोरिटी चंक ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग में, और SSC में कुछ क्वेश्चन नॉन वर्बल से भी पूछे जाते हैं अपने यहाँ। तो मतलब बैंकिंग की अगर बात करें तो नेग्लिजिबल क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं वर्बल रीजनिंग के साथ ही, क्योंकि मेजोरिटी चंक ऑफ द क्वेश्चन यहीं से ही आने हैं। और वर्बल रीजनिंग का मेजोरिटी चंक आता है इन दो से, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। वैसे लोग इसको दो टाइप बोलते हैं, मुझे तो लगता है ये पजल का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, पजल का ही एक टाइप है। पजल में कई बार फ्लोर पे बिठा देते हैं, तो ये भी एक सिटिंग अरेंजमेंट, स्लीपिंग अरेंजमेंट, जो मर्जी बोल लीजिए। तो वो पजल जिसमें कहीं सर्कल में बिठा रहे हैं, लाइन पे बिठा रहे हैं, स्क्वायर पे बिठा रहे हैं, वो एक पजल ही आई थिंक। बट हाँ, अलग टॉपिक की तरह इसको ट्रीट करते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट को हम इसी में मिक्स कर लेते हैं। दोनों का पैटर्न सेम है, एक बार कंसेप्ट क्लियर होगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, एक सोल्व करोगे 4 से 5, ये भी उसी टाइप का है, यही वो टाइप है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखिए दोस्त, 4 से 5 पजल्स आपके वहां पे आने वाली हैं, ठीक है। और सारे के सारे बच्चे ये मान के चलिए 3 पजल्स तो सारे के सारे अटेम्प्ट करेंगे, बट अब पॉइंट क्या है, मार्जिन किसका क्रिएट होगा, जिसकी 3 पजल्स में से 2 सही होगी, किसी की 3 पजल्स में से 1 सही होगी, किसी की 3 में से 0 सही होगी, और किसी की ऐसी भी होगी 3 में से 3 सही होगी। तो इसको कितने नंबर का एडवांटेज मिल गया, 10 से 12 नंबर का। इसको कितने का मिला एडवांटेज, 6 नंबर का, 8 नंबर का, डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन थे पजल के बाद, और एक में 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का, और इसको 0। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में स्टार्क डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं, टाइम इसका भी लगा जिसकी 0 पजल सोल्व हुई, और टाइम इसका भी लगा, मगर इस बंदे को इतने मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए। एक सेक्शन में 10 से 12 नंबर का मार्जिन क्रिएट हो जाता है, वो डिपेंड करता है, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ 3 से 4 ही क्वेश्चन आते हैं पजल में। और दूसरा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना दोस्त, मैं एक
पजल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, कि पैटर्न क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट करने का पैटर्न क्या लेके चलना है आपको, वेरिएबल्स को कैसे डील करना है, पॉसिबिलिटीज को कैसे डील करना है, पेन की एडवांटेज आपको कैसे लेनी, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट फॉर द टाइम जब तक मैं नहीं डालता हूँ किसी भी मेंटर की, यार मैं कोई नया तो इन्वेंट नहीं कर लाऊंगा, किसी भी मेंटर की आप वीडियोस देखिए जो अच्छा मेंटर हो, जिसके अच्छे फॉलोअर्स हो, अच्छे मतलब क्राउड हो, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता हो, उसका पैटर्न फॉलो करिए, और सारी टाइप ऑफ पजल्स के लिए फॉलो करिए उसका पैटर्न, ठीक है। और एक बार आपको समझ में आ गया, मान लो उसने जो भी पैटर्न से वो समझा रहा है उसको नोट डाउन करो। हम गलती क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं हमें लगता है वीडियो फिर देख लेंगे, 50 मिनट की वीडियो बार बार नहीं देख पाओगे आप, उसके जो की पॉइंट्स है ना वो नोट डाउन कर लो कि उन्होंने क्या बताया था, कि कैसे कैसे उन चीजों को करना है, और एक बार नोट डाउन करके उसको मास्टर कर लो पहले। तो अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको मतलब ये तैयारी शुरू करनी है। उसके बाद ना किसी एक टाइप ऑफ पजल के साथ स्टार्ट करो, शुरू में कोई भी टाइम के बाउंडेशन मत डालो दिमाग के ऊपर। होता क्या है, आपने स्ट्रेटेजी मास्टर नहीं करी है और आपने टाइम बाउंडेशन स्टार्ट कर दी, तो आपका ना जो बेस है वही नहीं बन पाएगा। स्टार्टिंग में कोई टाइम के बाउंडेशन मत बनाओ, 2 से 3 क्वेश्चन उसके साथ मतलब बिना टाइम के शुरू करो, 2-3 क्वेश्चन के बाद अगले 2-3 क्वेश्चन में टाइम नोट करो। अब 6 से 7 क्वेश्चन एक टाइप ऑफ पजल के ऊपर हो चुके हैं। अब आपको पता चल गया है कि भाई कैसे ये पजल होगी, बेसिक आइडिया आपको हो गया है। अब आप एनालाइज करो, जब वो टाइम नोट किया ना, मान लो उसके ऊपर आपको लग रही थी 7 मिनट उस टाइप ऑफ पजल को सोल्व करने में। अब ये देखो कि 7 मिनट आपकी कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, क्या गलती कर रहे हो। वो फिजिकल पेपर पे जो आपने ये प्रैक्टिस करे हैं 7 से 8 क्वेश्चन, उनको देखो कि इस पैटर्न में मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ये पॉइंट स्किप किया है, उन पॉइंट को एनालाइज करो, और उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन जो है ना वो अब टाइम रख के करो, और अपने टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करो। अगर फिर भी वीक हो आप पजल्स और इस पार्ट में, तो डेली का आपका एक पजल और एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक एग्जाम प्लस की तैयारी करो हमेशा। क्लर्क की तैयारी अगर आप सोच के चल रहे हो तो पीओ लेवल की अटेम्प्ट करो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ को टारगेट लेके चल रहे हो, एसबीआई पीओ की अटेम्प्ट करो। एसबीआई पीओ तो कोई अलग, जैसे एमबीए की आती है कुछ क्विजेज, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, इस सेक्शन को इम्प्रूव करना है, एमबीए लेवल की कैट लेवल की क्विजेज जो है वो सोल्व करना स्टार्ट करो। होता क्या है कि एक लेवल आगे की तैयारी करते हो तो उस लेवल में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ एक लेवल आगे की। और अगर दोस्त आप सिलेक्शन चाहते हो ना, तो ओनली गेटवे फॉर सिलेक्शन इन रीजनिंग एटलीस्ट इज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आपको लगता है कि ये सेक्शन छोड़ के आप बाकी सेक्शन इंप्रूव कर लोगे, नहीं हो सकता है, ये ना का तो रास्ता ही नहीं है, तो छोड़ दो उसको। और अगर फिर भी ये वीक है या फिर आप लो स्कोर कर रहे हो, तो डेली का एक सेक्शनल बिल्कुल गांठ बांध लो कि भैया ये तो मेरे को करना ही करना है, और डेली आप अपना ना स्कोर लिखते जाओ कहीं, कि पहले मॉक सेक्शनल में मैंने कम से कम मान लो 12 नंबर से स्टार्ट किया, या जितने भी मार्क्स से स्टार्ट किया, अगली बार देखो कि वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। और ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम 10 आप मान लो सेक्शनल अटेम्प्ट दे चुके हो, तो देखो आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। नहीं इंप्रूव हो रहा तो कहाँ नहीं इंप्रूव हो रहा है, क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा, उस कमी को देखो, और इस तरह से आप करो। बीच में ये पॉइंट स्टार्ट किया था मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बीच में डल गया। यू शुड नो वेन टू लीव, हाउ मेनी अटेम्प्ट यू शुड गिव। होता क्या है, आप कोई क्विज उठाते हो, या क्विज सॉरी कोई पजल उठाते हो, आपने वो सोल्व कर ली, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू किया, 5वें क्वेश्चन में आपने आपको लगा कि आपने जो पजल का सॉल्यूशन निकाला है या सिटिंग अरेंजमेंट का जो सॉल्यूशन निकाला है वो तो आंसर में ही नहीं है, दैट मींस कि आपका क्वेश्चन तो आपने जो फॉर्मेट बनाया है ना वो गलत हो चुका है। अब कई लोग क्या करते हैं, 2 बार लग गए, 3 बार लग गए, 4 बार लगे रहे उसी के पीछे। भैया एक पजल है, मान लो एक बेसिक मिस्टेक कर रहे हो, तो हर बार वही बेसिक मिस्टेक किए जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन हो नहीं रहा है, आपने पूरा रीजनिंग का टाइम ना इसी के ऊपर लगा लिया। और यही वजह है कि कई बच्चों का बाकी सेक्शंस बहुत अच्छे हुए हैं, रीजनिंग में सिर्फ सेक्शनल तक क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि वो अटक जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, और ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, कि कब जाके आपको छोड़ देनी चाहिए पजल की, भैया अब नहीं सोल्व हो रही है, इससे ज्यादा टाइम इसको नहीं देना है। अब आते हैं बाकी टॉपिक्स जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के बाद है। धीरे धीरे इस पार्ट की वेटेज कम होती जा रही है, बट हाँ दे आर स्टिल रेलेवेंट, क्योंकि इनमें से जो एक एक दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये मार्जिन क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉक्स हो गए, मशीन इनपुट आउटपुट हो गए, ब्लड रिलेशन अच्छा दोबारा आ गया, डायरेक्शन वाले हो गए, ABCD बेस्ड जो क्वेश्चन हुआ करते हैं, या जो भी बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स आपके सारे बच गए। सेम पैटर्न है, किसी भी टीचर की वीडियो देखो,
आपको लगता है कि वो पार्ट आपसे अच्छे से नहीं हो रहा है, उसके नोट्स बना लो। कुछ रीजनिंग में नोट्स कुछ ज्यादा नहीं बनते, ये हर चैप्टर के 2 से 3 एट मैक्स बता रहा हूँ, 2 से 3, वो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो 2 से 3 पेजेस में निकल जाएंगे। 30 से 40 पेजेस में आपके रीजनिंग के हर टाइप के नोट्स टोटल बन जाएंगे। वन बाय वन पिक करो, PYQ जरूर एनालाइज करो। PYQ लोग इग्नोर करते हैं भाई, मत करो। जो पेपर सेटर है ना, उसका आपको दिमाग पता चलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन वो फ्रेम करता है और किस टाइप से आपको उसमें से निकलना है। ये चक्रव्यूह है, आपको अभिमन्यु नहीं बनना है कि अंदर चले गए वापिस नहीं निकलना आ रहा है। आपको अंदर जाना भी सीखना है और वापिस आना भी सीखना है। और विदाउट टाइम स्टार्ट करो, शुरू में टाइम के बाउंडेशन मत करो। उसके बाद टाइम नोट करने पे जाओ कि भाई कितना टाइम ले रहा हूं मैं, वो नोट करना शुरू करो। फिर एनालाइज करो कि टाइम कहाँ जा रहा है और फिर टाइम को रिड्यूस करो। ये 4 स्टेप प्रोसेस है, ये हर जगह हर सेक्शन पे इंप्लीमेंट होगी। आप ओवरऑल प्रिपरेशन पे भी यही लगा सकते हो। मॉक्स जो है ना, वो आपकी वीकनेस बता देंगे। मतलब आप मॉक अटेम्प्ट करोगे सेक्शनल, उसमें आपको ये पता चल जाएगा भैया ये सेक्शन आपका वीक है। मतलब इन टॉपिक्स में से किस टॉपिक के क्वेश्चन आपके हर बार गलत हो रहे हैं, जैसे ही पता चले ना उस टॉपिक की रेल बना दो, 40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ और आगे से जीवन में दोबारा वो टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं नॉन वर्बल की थोड़ी सी। देखिए, पहली बात तो उतना ज्यादा रेलेवेंट है नहीं बैंक के लिए, एसएससी ओरिएंटेड के लिए ज्यादा है। तो अगर ये हो तो आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वहां कुछ क्वेश्चन अभी भी आते हैं। और फिर भी अगर इन टॉपिक के, ये जो नॉन वर्बल के टॉपिक है, इनमें से कोई PYQ आए हुए हैं तो इनको एक बार गो थ्रू कर लो। आपकी बुक, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, वो आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कौन सी बुक्स, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उनके PYQ उनके एक बार देख लो। हर टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो नॉन वर्बल के। कुछ ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं है, 8 से 10 घंटे में नॉन वर्बल के आपके सारे टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई सरप्राइज आया वहां पे, तो आपके दिमाग में कोई असला है जिसको आप अटेम्प्ट कर लोगे और इसी तरह आपको एक्स्ट्रा एज मिलती है। बाकी सारे सरप्राइज थे, बट आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था और यहीं पे आपको एडवांटेज गेन करना है। बुक देखिए दोस्त, ये हर जगह बोलता हूँ मैं, किसी भी अच्छी पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारी बुक्स मोर और लेस सिमिलर है। 80-90% ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ ऑल ऑफ द बुक्स इन द मार्केट इज सेम, कोई अलग नहीं है। या तो वो शुरू से ही सेम थी, या फिर एक दूसरे को देख देख के वो सारा कंटेंट उनका सिमिलर हो चुका है। और एक बार दोस्त, ये बैंकिंग और मिसलेनियस टॉपिक्स के मैं एक बार वीडियोस में कवर कर लेता हूँ, उसके बाद रीजनिंग की भी हम सीरीज लेके आएंगे। रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा था और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे को लगता है, और बड़े ही लूसिड वे में आपको मैं बताऊंगा सारे के सारे टॉपिक्स। और दूसरा, आपको करना क्या है इन बुक्स के अंदर, सभी टाइप के और सभी चैप्टर्स इसमें से करने हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, यहाँ पे भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज इसमें भी मिलेगा आपको। इनको आप कर लोगे ना, तो क्या होगा कि आपका वीकनेस का एरिया आपको पता चल जाएगा, आइडिया आपको हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आपको आएंगे, और अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी को मॉडिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कंटेंट ऑफ द वीडियो। और अगर आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं PDF डालता रहता हूँ रेलिवेंट वीडियोज की। इंस्टाग्राम पे आप कोई पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हो, और ये सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे है। इंग्लिश की ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वीडियो में डाल चुका हूँ, सारे सेक्शंस की स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाली है ओवर द टाइम। फिर उसके बाद SSC की भी आएगी। बैंकिंग के टॉपिक्स में ऐड करना शुरू कर रहा हूँ, करंट अफेयर की अपडेट में डालता रहूंगा। करंट अफेयर का क्या होता है, अभी के लिए टाइम बहुत लिमिटेड है, तो अगर मैं डेली करंट अफेयर पे उतर आया तो बाकी जो कॉन्टेंट है ना वो इफेक्ट हो जाता है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं एक वीकली, और वैसे भी डेली इतनी न्यूज नहीं होती है, तो वीकली एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें पूरे वीक का मैं सैटरडे या संडे को आपको वीडियो दे दूंगा, और इसको क्विज फॉर्मेट में लेके आएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप पढ़ भी पाओगे, और उसी की PDF मैं आपको दे दिया करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।